बेलनगंज के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य चैस सागर महाराज पावन वर्षा योग के लिए विराजमान हैं। आचार्य श्री पावन वर्षा योग में प्रतिदिन भक्तजनों को प्रवचन के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। संसार की आधुनिकता की चकाचौंध में यह पूरा संसार बड़े से लेके बूढ़े तक सभी रंग गए हैं। इससे कैसे बाहर निकले, बाहर निकलने का रास्ता क्या है, देखते हैं आज कि माँ बाप को उंगली पकड़कर मंदिर ले जाने वाले कोई बालक नहीं है। बालक कितना ही बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए वह बालक ही रहता है। वह बालक माता पिता को कहते हैं, शरीर में ताकत नहीं है तो घर में बैठो और भगवान का भजन करो। पर मन में उसको ये विचार नहीं आता कि मैं मेरे माता पिता को, जिनने जन्म से लेकर अभी तक भगवान के दर्शन के बिना पानी तक नहीं पिया है, उनको दर्शन करा के। अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है और अनंतानंत कर्म के बंद करके 84 लाख योनियों के अंदर यह जीव परिभ्रमण करता है। यहाँ आचार्य भगवंत ने दो मार्ग बतलाए हैं, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। मुनि धर्म महाव्रतों का अंगीकार करता है और गृहस्थ धर्म श्रावकों के गृहस्थ धर्म होते हैं अनुव्रत में। यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं,